एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति। एंड आज का ये स्पेशल वीडियो या व्लॉग इसलिए शूट किया जा रहा है बिकॉज इट्स अ स्पेशल डे। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, इट्स 10th of December टुडे। सो मॉर्निंग जो है हम लोग पहले चर्च जाके अभी हम लोग अपना सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहे हैं। केक कटिंग विल प्रोबेबली विल डू इन द इवनिंग। सो वी आर गोइंग टू हमसल देवी बीच। सो वो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स दूर है। सो वहाँ पे हम जो है आज डस्टर, हमारी जो कार है वो स्पेसिफिकली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक कार भी अगर आपके पास है सो यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली, क्योंकि 100 किलोमीटर्स है, अप एंड डाउन 200 किलोमीटर्स प्लस होगा और पहली बार जा रहे हैं, लोकेशन थोड़ा देख के जाना पड़ेगा। इसके वजह से इलेक्ट्रिक कार में नहीं जा रहे हैं, ये ऑयल वाले व्हीकल में ही जा रहे हैं। बिकॉज जिस बीच की जगह पे हम वहाँ जा रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब सिटी एरिया नहीं है, तो वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबिलिटी नहीं है जहाँ तक हमने देखा अभी। और अगर ढूंढने भी हम लोग चले तो और कितना किलोमीटर्स हो जाएगा वो पता नहीं है, तो वो डाउट होने की वजह से हमने बोला कि अगर पॉइंट नहीं मिला, सिटी में आप कहीं पे भी दूसरे स्टेट भी चले जाओ तो आपको जो है हाईवे पे कहीं ना कहीं ये चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा गांव साइड में रहता है तो वहाँ पे नहीं है, इसलिए हम लोग ऑयल व्हीकल लेके जा रहे हैं। सो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, छोटी सी इन्फॉर्मेशन मान लीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी चीज़ मैं आपको बताऊँ काम आनी चाहिए, इस इंटेंशन से मैं आपको बताती हूँ। तो जब भी अगर आपके पास आप अगर प्लान कर रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऐसा कुछ, तो आपका जो ट्रिप है वो प्री प्लान होना चाहिए, क्योंकि आप बिना प्लानिंग के अगर निकल गए और चार्जिंग उसमें ख़त्म हो जाए, चार्जिंग पॉइंट आपको कहीं मिले नहीं और आपके पास जो चार्जर रहता है गाड़ी में वो इतना फास्ट चार्जर नहीं होता है, तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, इसीलिए आई एम टेलिंग दैट। सो दैट वाज लिटिल थिंग। और अभी हम लोग स्टार्ट हो चुके हैं, अभी बंदर रोड, विजयवाड़ा के बंदर रोड पर चढ़ चुके हैं एंड यहाँ से अभी 1 घंटा लगने वाला है और वहाँ पर हम पहली बार जा रहे हैं। सो हैव टू सी हाउ इट विल बी, वॉट ऑल थिंग्स विल बी अवेलेबल, जस्ट लाइट आइडिया है कैसा होगा पता नहीं। सो जो भी होगा, जैसा हमारे लिए सरप्राइज है आपके लिए भी वैसे ही सरप्राइज होगा। एंड यहाँ पे ये इतना बड़ा स्टैचू, अंबेडकर जी का स्टैचू यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, विच इज़ लुकिंग सुपर गुड। सी आज हम लोग जो फ्रीडम का एंजॉय कर रहे हैं, जो संविधान है, जो डेमोक्रेसी है, सब कुछ इनकी वजह से, पता ही होगा, बट फिर भी एक जो चीज़ है दैट आई एम मेंशनिंग। तो चलिए चलते हैं आज अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। सो आई एम वेयरिंग दिस फुल गाउन, ऊपर से नीचे तक गाउन है और इसके साथ मैंने ये बैंगल्स पहनी है, मेटल की बैंगल्स है, ब्लैक एंड सिल्वर कलर मिक्स है इसमें। सो फुल लुक पॉसिबल हुआ, कहीं अगर अच्छा लोकेशन मिला तो आई विल शो यू कंप्लीट ड्रेस। एंड नानो हैप्पी एनिवर्सरी। सो वी ऑल हमारा जो पूरा टीम है चारों का बच्चों के साथ, वी ऑल आर वेयरिंग ब्लू। सो ब्लू आर्मी बनी हुई है आज हमारी, ब्लू। सोचा था बट इट हैज टेकन मोर देन 2.5 आवर्स बिकॉज 11:30 वी हैव स्टार्टेड एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 2, 10 मिनट बाकी है 2 बजने में और आधे घंटे का रास्ता और दिखा रहे हैं। भाई साहब, इतनी देर में तो हम लोग हैदराबाद चले जाते। सो चलो चलते हैं। अब एक चीज जो नहीं देखी, एक टास्क जो है कम्प्लीट हो जाता है, बार बार रहता है ना कि उस जगह को देखना है, तो एक बार ये देख लेंगे तो एक काम समाप्त हो जाएगा। एक्चुअली किलोमीटर्स कम ही है लेकिन जो रास्ता है ना, इतना मतलब रोड इतना हॉरेबल था कि मतलब पूरा खराब रोड, पूरे गड्ढे ही गड्ढे, कि पेट में दर्द शुरू हो गया, सर में दर्द शुरू हो गया। अब जल्दी से जब आए तो खाना वाना खाएंगे तो थोड़ा रिलैक्स हो पाएंगे, उससे पहले तो अब स्टेबिलिटी आने वाली नहीं है।
अभी हम बीच पे पहुंच चुके हैं, 2:15 हो रहे हैं। सो अब लगा लो 11:30 बजे निकले थे, कितने घंटे लग चुके हैं हम लोग को। एंड पहले अभी लंच करना है, तब जाके थोड़ा स्टैमिना आएगा। तो रोड ने पूरा पेट खिला दिया, अब भूख लग रही है। सो मुझे बैठना है। दिस इज़ फिश फ्राई, दिस इज़ फिश करी, दिस इज़ नाटू चिकन, दिस इज़ प्रॉन्स फ्राई, एंड दैट्स इट। एंड इकड़ा दिस इज़ पेरुगु, दिस इज़ राइस। सो फाइनली डन विथ लंच, इट वॉज सुपर्ब, एवरीथिंग वॉज ऑसम। होटल में जाएंगे तब भी इतना टेस्टी मिलेगा नहीं, इतना अच्छा था। तो इनके जो ऑफिस मेट है, उनकी वाइफ ने बनाया, काफ़ी अच्छा था। तो उनका घर यहीं पे है। सो फाइनली अभी पेट पूजा हो गई, तो अभी रिलैक्स है, अभी एंजॉय कर सकते हैं। पानी में ये दोनों तो आ चुके हैं यहाँ पे। तो फाइनली सेलिब्रेशन तो अच्छी तरह हो गया। हम लोग अभी कार में आके बैठे हैं, बिकॉज बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। हम लोग एक्चुअली कपड़े तो लेके आई थी मैं सबके लिए, बट भीगने का दिल नहीं कर रहा था। तो वो लाइक देख के एंजॉय किया। खाना काफ़ी अच्छा था, ओनली आने में टाइम ज़्यादा लगा, अदरवाइज एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। एंड केक कटिंग भी पहली बार, कुछ प्लानिंग नहीं था, उन्होंने इन लोगों ने प्लान किया था कि बीच के पास कट करेंगे करके। सो काफ़ी अच्छी तरह से वो भी सेलिब्रेशन हो गया। अभी आधा घंटा और रुक के फिर हम लोग वापस रवाना हो जाएंगे। एंड ओवरऑल काफ़ी बच्चे काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रहे, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एन एनिवर्सरी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय अभी से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चार्जिंग बहुत कम है, तो कब ये क्लोज़ हो जाएगा पता नहीं है। तो चार्जिंग ख़त्म होने से पहले अपना जो वीडियो है उसको ख़त्म कर देते करके आई एम वाइंडिंग अप हियर। So take care, bye bye, and happy anniversary again.